रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही इसकी। अच्छा जी, MFA का आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, अच्छा इसके लिए आपको जो बुक मेन चाहिए वो तो ICAP का स्टडी टेक्स्ट ही चाहिए होगा। अच्छा, MFA का आपको आइडिया है कि दो सब्जेक्ट्स का मर्जर है ये, जिसके अंदर एक आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैंने लिख दिया, एक्चुअली फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें इसमें आ जाएंगी, और दूसरा इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी बन जाता है। अच्छा, अब थ्योरेटिकल जो इसका पोर्शन है वो तो आप लोग को बिलाल साहब कराएंगे, न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो इसका मैं कवर इंशाल्लाह कराऊंगा। उनकी मेरे ख्याल सैटरडे को हुआ करेगी, हाँ जी, और वो थोड़ी मेरे ख्याल लेंथी लेते हैं, साथ वो प्लान कर लेते तो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। अच्छा, इसके अंदर ये जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, एक्चुअली पुरानी स्कीम के अंदर जो आपका कॉस्ट का पेपर होता था, तो कॉस्ट के पेपर के अंदर बजटिंग भी था, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी था, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक था, तो वो चीज़ें ICAP ने निकाल के इधर ट्रांसफ़र कर दी हैं, प्लस कुछ फाइनल में से BFT में से चीज़ें निकाल के भी इधर ट्रांसफ़र की गई। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने कवर करनी है उसके अंदर बजटिंग आ जाएगी आप, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और साथ ही एक चैप्टर इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी आएगा। सो ये चार पांच चीजें हैं जो हमें इसके अंदर कवर करना होंगी। ठीक है, बजटिंग के अंदर बजट्स वगैरह बनाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन पास किए जाते हैं। अच्छा, अगर आप में से जिन लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपने डिसीजन मेकिंग उधर भी पढ़ी थी, वो थी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जिसका पीरियड ऑफ बेनिफिट नॉर्मली लेस देन 1 ईयर होता था। यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट प्रिजल पढ़नी है इसमें लॉन्ग टर्म नेचर की डिसीजन मेकिंग आ जाती है। जैसे आपको मैं कह रहा हूँ यार, एक नई फैक्ट्री लगाऊं के ना लगाऊं, अगर सही डिसीजन पास हुआ फैक्ट्री लगा ली नंबर ऑफ ईयर तक बेनिफिट, खुदा ना खासा गलत डिसीजन पास हो गया तो नंबर ऑफ ईयर तक लॉस, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। अब इसके अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यूज निकालना पड़ती हैं,
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपके पास रेट होना चाहिए कोई ना कोई, उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा वो हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे, यानी ये टॉपिक जो है ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे आके आप देखेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यार वो रेट कैसे निकालना था, उसकी कंप्यूटेशन सारी इंशाल्लाह हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन रिस्क आ जाएगा, रिस्क के अंदर अब देखिए अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो तो इसका पीरियड ऑफ बेनिफिट कितना अर्सा होगा, नॉर्मली लेस देन 12 मंथ। फर्ज करें आज आप मुझसे पूछें कि यार महीने बाद चीज डिलीवर करोगे कितने में कर दोगे, मेरा ख्याल था आज 1000 रुपये की है, शायद 10% अगर इन्फ्लेशन आ गई 1100 की, लेकिन अगर आप मुझे कुछ आज से 5 साल बाद कितने की करोगे तो फिगर तो मैं कोई ना कोई बोल दूंगा, लेकिन रिलायबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जितना दूर का सोचते हैं उतना चांसेस ऑफ एरर बढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो रिस्क एनालिसिस है ना ये डिफरेंट टाइप का पढ़ना है। देखें आजकल आपको पता ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक रूटीन मैटर है, फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट, और आप अगर आजकल की एग्जांपल ले रहे हैं लगातार डॉलर महंगा होता जा रहा है होता जा रहा है। फर्ज करें आपने अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट की $1,00,000 की और पैसे आपने देने महीने बाद, अगर से आज 240 रुपये का डॉलर है हो सकता है महीने बाद 260 का हो जाए, तो अगर 20 रुपये डॉलर महंगा होता है तो $1,00,000 का मतलब था 20 लाख कॉस्ट बढ़ गई। तो हम इस रिस्क से बचना चाहते हैं, तो करेंसी रिस्क कैसे बचा जा सकता है। अच्छा, रिस्क आप लोग याद रखें एलिमिनेट नहीं हो सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, ट्रिमिंग की जा सकती है, ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम लोग ना डिफरेंट तरीके पढ़ेंगे कि यार ये फॉरेन करेंसी रिस्क को मैनेज करने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, इसी तरह कमोडिटीज़ का भी तो आ जाता है ना, जैसे आपने देखा था जब पीछे आज से कुछ अरसा पहले पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा था, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती फ्यूचर के तो बाद में इनको कम रेट के ऊपर पेट्रोल अवेलेबल हो जाता, लेकिन इन्होंने केयरलेसली काम किया, नई ऑर्डर प्लेस किए कि शायद सस्ता हो रहा तो और ही होता जाए, तो रिजल्ट क्या हुआ जब एकदम से प्राइसेस बढ़ी हैं तो फिर इनको महंगा खरीदना पड़ गया। ठीक है, तो वो इसी तरह कमोडिटीज का रिस्क भी मैनेज किया जाता है, तो करेंसी रिस्क भी हम इसमें पढ़ेंगे, कमोडिटीज रिस्क भी पढ़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क भी पढ़ेंगे। देखिए आप जब बैंकों से लोन लेते हैं एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाए, एक होता है फ्लोटिंग पे लिया जाए, कोई फर्क आइडिया इन दोनों में क्या है? फ्लोटिंग चेंज होता रहेगा। हाँ सही है, फिक्स में ये होता है जिस वक्त आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जो हमने रेट डिसाइड किया ना वो ही रहेगा। फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको मैंने कहा यार ये 3 महीने के लिए फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंट है, 3 महीने बाद ये मैं चेंज करूंगा, अक्सर इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं काइबोर प्लस 3% हो जाएगा काइबोर। ये होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे तो किस रेट पे देगा। ठीक है, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना उसके मुताबिक स्टेट बैंक अनाउंस करता है काइबोर, तो काइबोर प्लस 2% फॉर एग्जांपल, मतलब अगर काइबोर 15 हुआ तो ये 17 हो जाएगा, काइबोर 10 हो गया तो ये 12 हो जाएगा, काइबोर 5 हो गया तो ये 7 हो जाएगा। तो हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी बोरोइंग कर सकते हैं, फ्लोटिंग पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि यार हमारा जो लोन है अगर मैं सारा फिक्स पे ले लूं तो क्या नुकसान हो सकता है इसका? सर अगर फ्यूचर में वो कम हो गया, हाँ अगर फ्यूचर में रेट कम हो गए तो मुझे तो उसी रेट से देना पड़ेगा, इसका मतलब सारा लोन फिक्स पे लेना भी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ यार फ्लोटिंग पे ले लेते हैं, छोड़ते हैं फिक्स को, हाँ इसमें अगर बढ़ गया तो फिर ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि हम लोग कहते हैं यार ना सारा लोन फिक्स पे लो ना ही सारा फ्लोटिंग पे लो, पार्टली फिक्स पार्टली फ्लोटिंग कर लो, ताकि अगर रेट कहीं बढ़ना शुरू हुआ तो फ्लोटिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन ये फिक्स वाला आपको कॉम्पनसेट कर जाएगा। रेट कम होना शुरू हो गया तो इसका तो ज़्यादा दे रहे होंगे लेकिन वो जिसका कम हो गया वो आपको कॉम्पनसेट करेगा।
ठीक है। इसी तरह आप मुझे कहते हैं यार मुझे तो आज लोन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 6 महीने बाद। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी का हर 3 महीने बाद नया रेट आ जाता है, हो सकता है 3 महीने बाद रेट बढ़ जाए। तो मैं चाहता हूं कि नहीं यार इस रिस्क से बचा जाए। तो उसका फिर तरीका क्या हो सकता है कि हम आज ही बैंक के पास चले जाएं और बैंक को कहें यार मैं लोन 6 महीने बाद लेने आऊंगा, रेट मुझे बताओ क्या दोगे। अब आपको पता है बैंक कोई भी काम बगैर पैसे के तो करता नहीं है, वो कहेगा यार पहले तो दो मुझे फीस तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, अब फर्ज करें आपने उसकी फीस दी, उसने कहा यार चलो मैं तुम्हें 10% पे दे दूंगा। अब कल को रेट 15 भी हो गया वो 10 पे देगा, और कल को अगर रेट 4 भी हो गया तब भी 10 पे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके रेट के रिस्क से बचने के भी डिफरेंट तरीके हैं, वो भी हम इसी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये आमतौर पे इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क है वो खाली इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, इसमें करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपको पता है डेट फाइनेंसिंग भी होती है, इक्विटी भी होती है। डेट के अंदर भी मल्टीपल सोर्सेज हैं, बैंक से लोन ले लो, डिबेंचर इशू कर दो, ठीक है, यानी अनसिक्योर्ड लोन जिसे कहते हैं, सिक्योर्ड लोन कहते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो, ठीक है, लीज के ऊपर जाके चीज़ ले लो, हायर परचेज पे ले लो, क्रेडिट पे चीज़ खरीद लो, ओवरड्राफ्ट कर लो। किस वक्त कौन सा सोर्स ऑफ डेट बेटर होगा वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होता है, क्या होता था वो? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ना आप हिस्टोरिकल डेटा यूज कर रहे होते हो। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी, मैंने कहा यार वर्किंग कैपिटल तो निकालो, आपने माइनस कर दिया ये फिगर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के अंदर हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, तो जब फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं फिर तो स्टॉक की फिगर भी एस्टिमेट करनी है, डेटर की फिगर भी एस्टिमेट ही करनी, क्रेडिटर भी एस्टिमेट ही करने हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, वो कैसे डिटरमिन की जाती है, और फिर जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटरमिन हो जाए तो उसकी फंडिंग कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, वैसे जब ये फाइनल के अंदर था ना तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी आती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आती है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर, कैश, क्रेडिटर मैनेजमेंट, वो सब कुछ आता है। आईकैप ने आपके इधर सिंपल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और उसकी फंडिंग बताई है, मैनेजमेंट नहीं बताई, वो फाइनल के अंदर ही है। ठीक है, BFD के अंदर जाके ना ये चीज़ भी आपने दोबारा पढ़नी, ये भी दोबारा पढ़ना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये उधर जाके दोबारा पढ़ना है, लेकिन वो फिर मुश्किल वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन आई कैप ने डाली है। और आखिर में है स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर। इसके अंदर ना आप लोगों को कुछ तो वो जो मीन वगैरह निकालना है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर जी टेस्ट टी टेस्ट पढ़ा था आपने, वो अप्लाई हो जाएगा इधर दोबारा। ठीक है, तो ये वो स्टैट वाले टीचर ही आपको कराएंगे। ठीक है, ये बाकी जो चीज़ें ये मैं कराऊंगा। हाँ, इस रिस्क के अंदर भी ना एक थ्योरेटिकल चैप्टर है रिस्क का, जिसकी कुछ हद तक इम्प्लीकेशन आपके ऑडिट के साथ हो जाती है, तो वो अलग चैप्टर भी बिलाल साहब भी कराएंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर एक चैप्टर बिलाल साहब कराएंगे, ये आपको स्टैट वाले टीचर कराएंगे, बाकी ये जो 3-4 कंपोनेंट हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। उस हिसाब से क्योंकि अब 2-3 टीचर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सिलेबस इसका काफ़ी कम है, मतलब अगर हम लोग रेगुलर क्लासेस वगैरह पढ़ते हैं तो 1.5-2 महीने में इसका सिलेबस कवर हो जाता है, यानी जो मेरे वाला पोर्शन है। लेकिन वो क्योंकि मैनेजमेंट वाला आपका केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन आने होते हैं वो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, प्लस क्योंकि बिलाल साहब प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ACCA के पेपर से ये वो, तो उस वजह से ना इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ओवरऑल फिर भी तकरीबन 1-1.5 महीना पहले सिलेबस आपका कवर हो जाता है। तो इसकी जो रिविजन होगी, क्योंकि तकरीबन 2 महीने के अंदर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस इसका कवर हो जाता है, तो रिवीजन मैं फौरन ही शुरू करा दूंगा। ठीक है, ताकि जब आपके सिलेबस बाकी कवर हो रहे हो तो इसकी रिवीजन भी इस पोर्शन की हो चुकी हो।
तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, कोस्टिंग के अंदर जब ये टॉपिक था तो 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इसका आता था, 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसका आता था, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसका आता था। अब यहाँ पे अभी क्योंकि दो अटेम्प्ट ही गुजरी हैं, पिछले अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन नहीं आया था, इस अटेम्प्ट में उसने इसका डाल दिया, ठीक है। तो उस वजह से ऑन एंड ऑफ है, अभी कोई क्लियरली नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब क्योंकि आई कैप करके आ रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन, तो इस तरह फिर ये हो जाता है कि 8-10 टॉपिक आराम से एक पेपर में कवर हो जाते हैं। इसलिए कवर आपने सारे ही करके जाना है, यानी इसमें क्लास के अंदर जो हमारी ज्यादा प्रैक्टिस चल रही होगी वो इन दो की बहुत ज्यादा चल रही होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि जब 4-4 नंबर, 5-5 नंबर के क्वेश्चन डालता है, जैसे अगर आप आई कैप का मॉडल पेपर देखें ना, तो उसमें 4-4, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन भी थे, उसने तो फिर कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। लेकिन पिछली अटैम्प्ट के अंदर आई कैप ने ये छोड़ दिया, इस अटैम्प्ट ने उसने इसका सवाल डाल दिया, तो उस वजह से ऑन एंड ऑफ तकरीबन सारा कुछ ही कवर पेपर में हो जाया करता है। तो ये टोटल चीज़ें इसकी बन जाती हैं। बाकी क्योंकि अभी दो अटेम्प्ट ही गुजरी हैं तो वो वैसे हम आई कैप का पास्ट पेपर का प्रिंट ले लेंगे, तो वहीं से उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी देख लेंगे। अच्छा, अब चूंकि ये कवर ट्रांसफ़र होके आया है उधर से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से, तो आई कैप ने स्टडी टैक्स के अंदर ना इसके अंदर जो क्वेश्चन डाले हैं इसके भी और इसके भी, वो उसने कॉस्ट के पास्ट पेपर डाल दिए हमें। इसलिए पास्ट पेपर के लिए हमें स्पेशल कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अभी मार्केट में कोई प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। बाकी जैसे राइज वगैरह की है, लेकिन वो वही है कि आई कैप के स्टडी टेक्स में भी वही क्वेश्चन मिल जाने हैं, वही उसने उधर डाल दिए हमें, तो वो इसलिए 2-4 क्वेश्चन की इस तरह करने की ऐसे हमें ज़रूरत नहीं होती। जी हो गया। अच्छा, अब आज इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस से रिलेटेड। प्रॉपर तो इंशाल्लाह कल ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल में चीज डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप लोगों ने कहा था है ये भी डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग टर्म नेचर की आ जाती है। आप लोगों ने उधर कॉस्ट के अंदर रेलिवेंट ही रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ी थी, जिसमें संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। इसलिए जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा तो वो चीज़ें मैं पहले आपको रिकॉल कराऊंगा, ताकि जब हम इसमें अप्लाई करें तो इशू ना आए। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक तो इसके जो मेथड्स या टेक्निक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आई कैप ने दो डाले, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड
और दूसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी एन पी वी और आई आर आर। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने इन्फ्लेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है ये भी हम पढ़ेंगे, टैक्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है ये भी पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो भी चीज डिस्कस की जाएगी। देखें, एक प्रोजेक्ट है, आपको कहता हूं 5 साल इसकी लाइफ है, तो साल बाद का 1,00,000 रुपया क्या आज के 1,00,000 रुपए के इक्वल वर्थ रखता होगा? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। तो इधर हमने ये देखना है, एक एनपीवी मेथड और एक आईआरआर क्या है, ये आगे डिटेल में जब करेंगे समझ आएगा। अच्छा, अब जब 5 साल की बात कर रहा हूं, तो अगर आज मटीरियल 10 रुपए केजी मिल रहा है तो इट नेवर मीन के हर दफा 10 रुपए केजी होगा। हो सकता है मैं आपको कहूँ यार 10% इन्फ्लेशन आएगी। ठीक है, तो उस इन्फ्लेशन को इन्वेस्टमेंट प्रेजर के क्वेश्चन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि उसके कितने मेथड हैं, किस वक्त कौन सा सूटेबल होता है। फिर टैक्स, देखें जब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो फिर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट टैक्स भी मांगेगी, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो इशू आएगा। अच्छा, आपको पता है ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ये तो हम कैश फ्लो की निकालते हैं ना, और कैश फ्लो में क्योंकि यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। ठीक है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस, तो ये जो एनपीवी निकालनी होती है ना इसमें हमें कैश के इनफ्लोस और आउटफ्लोस लेने होते हैं, तो क्या डेप्रिसिएशन पे आउटफ्लो होता है? नहीं, तो इसको वो नहीं लिखना होता, नॉन कैश आइटम है। लेकिन जब टैक्स लगना होता है, टैक्स किस पे लगना होता है? वो प्रॉफिट पे। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, वो चाहे कैश एक्सपेंस हो या नॉन कैश, वहां डेफिनेशन माइनस करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो कैसे इसको हम सॉल्व करें, मतलब एक तरीका ये आपको मैं कहूँ यार, वर्किंग में प्रॉफिट लॉस बनाना, वहां से प्रॉफिट निकालना, उस पर टैक्स लगा लेना, फिर उस टैक्स को एज एन आउटफ्लो कैश फ्लो में लाके लिख देना। अब मसला है उधर सेल रेवेन्यू के तौर पे लिख रहे होंगे, मटेरियल लेबर एफर्ट एक्सपेंसेस के तौर पे लिख रहे होंगे, डेप्शन भी लिख रहे होंगे। जब कैश फ्लो बनाऊंगा सेल इनफ्लो के तौर पे आ रहा होगा, मटेरियल लेबर एफर्ट आउटफ्लो के तौर पे आ रहा होगा, तो वो डुप्लीकेशन आ जाती है। तो एक खास तरीके से हम इसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि वन गो के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो कैसे करना है वो हम इधर जाके पढ़ेंगे। देन वर्किंग कैपिटल, देखें जब नया काम शुरू करते हैं तो उसके लिए स्टॉक के लिए भी पैसे चाहिए, नया काम शुरू करूंगा तो लोगों को उधार भी देना पड़ेगा, डेटर में भी पैसे ब्लॉक होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत कुछ लोग मुझे भी उधार दे दें कि यार नया कस्टमर बन रहा है उधार दो इसको, तो सप्लायर यानी क्रेडिटर भी मुझे उधार दे दें, तो वर्किंग कैपिटल की बट स्टिल कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होती है। अब उसको कैसे इन्वेस्टमेंट प्रेजर में एडजस्ट करते हैं वो चीज भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें इकट्ठी मिला के क्वेश्चन के अंदर आती हैं। अभी तक क्योंकि आपके सिलेबस में 2 अटेम्प्ट गुजरी हैं, तो आई कैप क्या कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं ACCA के एग्जामिनर की बात करूं, वो अक्सर क्वेश्चन में क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताता, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन का डेटा दे देता है, कहता है चलो खुद निकाल लो, तो पहले वो रेट निकाल लो फिर वो इधर यूज करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और अगर वो रेट गलत हो जाए तो इधर का डिसीजन वैसे गलत हो जाना है। तो उस वजह से ना वो इस तरह के क्वेश्चन डाल रहा है, लेकिन अभी आपकी 2 अटेम्प्ट गुजरी, आपका इस तरह नहीं आया, लेकिन आई कैप ने यह कहा नहीं कि मैं ऐसे डालूंगा नहीं, हो सकता है इस अटेम्प्ट में नहीं तो इसे अगली अटेम्प्ट में डाल दे, तो इसलिए हमें
इंडिपेंडेंट चीज़ भी पढ़नी है और उनको लिंक करके भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे ना अब जैसे आपने देखा होगा रिपोर्टिंग वन के अंदर 2-3 स्टैंडर्ड मिला के क्वेश्चन बना दिया, अब यानी वो काम नहीं रह गया कि आइए 16 है तो खाली 16 का ही क्वेश्चन होगा, उसके अंदर वो 20 भी डाल देता है, इम्पेयरमेंट का भी पॉइंट डाल देता है। तो इसी तरह अभी पहले हम लोग ये इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह अलग करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन मैं ACC एक कराऊंगा जिसके अंदर वो मिक्स करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर दो टॉपिक मिक्स भी कर देते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बिल्कुल नई चीज़ हो गई, हमने इंडिपेंडेंट तो पढ़ा होता है, उसकी एप्लीकेशन बस पता होनी चाहिए आपको। तो अब इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली अगर आप मुझसे मेथड पूछें तो इसके अलावा भी कुछ मेथड हैं, जैसे पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। पेबैक पीरियड कोई नाम से आइडिया और क्या चीज है? अच्छा नहीं ये वो नहीं। अच्छा पेबैक पीरियड देखें, हम लोग जब पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। फर्स्ट करें मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं यार आप मुझे 1,00,000 रुपया लोन दे दो, 5 साल तक 25-25,000 लेते रहना, जिसको ना 5 साल में 25-25,000 करें तो 1,25,000 मिल जाएगा, 25,000 का प्रॉफिट तो हो रहा है आपको। पे बैक का मतलब होता है जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस फिगर को रिकवर करने पे कितना टाइम लग जाएगा, तो कितना अर्सा लग जाएगा? 1 साल, 4 साल। 4 साल तो लग जाएंगे ना, तो 4 साल इसका क्या कहलाएगा? पे बैक पीरियड, ठीक है। यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करने पे कितना टाइम लगेगा, इसे कहा जाता है पे बैक पीरियड। और जितना ज्यादा पीरियड लग रहा हो उतना आपके लिए नुकसानदेह होता है। यानी हमारी कोशिश होती है कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाए जिसका पे बैक पीरियड कम से कम हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसमें हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेते हैं कि जी प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट बन रहा है, और फिर किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसका रेट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी पे बैक की अगर बात करूं तो जिसका पीरियड कम होना चाहिए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूं जिसका ज्यादा होना चाहिए। इनका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा इन दोनों को हम नॉन साइंटिफिक मेथड और इनको साइंटिफिक मेथड का वर्ड भी यूज करते हैं इनके लिए हम।
इसमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते हैं कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट है, और जितना परसेंटेज ज़्यादा मिल रही होगी उतना बेहतर। अच्छा, इसके लिए आपका ने कहा था हमें स्टडी टैक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी मेनली, तो अगर हार्ड फॉर्म में नहीं भी होता तो खैर है, कम से कम सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होना चाहिए ताकि जब मैं क्वेश्चन वगैरह करा रहा हूँ तो आपका सब अवेलेबल हो। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन हमारी डिस्कशन चलेगी, यानी कल से इसको मैं प्रॉपर स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उसके लिए ना आप कोशिश कर लीजिएगा, अगर आप लोगों का नोट्स वगैरह पुराने पड़े हों तो वो जो रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, वैसे कल मैं यहाँ कराऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपने किया होगा तो फिर ये थोड़ा फ्लो में चलना शुरू हो जाएगा हमारा। तो यानी डायरेक्ट मैं पहले आपको ये कैलकुलेशंस की शुरू नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब तक वो आपको वैल्यू डिसाइड करना नहीं आएगी कौन सी रेलिवेंट, वो आगे फिर हम फिगर ही नहीं लिख पाएंगे। तो उस वजह से कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह इसका देना था, तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेटर लेके आइएगा कल। थैंक यू जी।